नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जून महीने के जितने भी लाभार्थी हैं उनकी सूची लोड कर दी गई है और जून माह का OTP भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए, कैसे आपको चेक करना है, तो सबसे पहले आप लोग ICDS का आंगन लाभार्थी ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ICDS लाभार्थी वेरिफिकेशन OTP द्वारा, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंक्रनाइज के ऑप्शन पे जाना है और सिंक्रनाइज कर देना है। तो जैसे हम सिंक्रनाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा जो है सिंक्रनाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे नया बेनिफिशरी सूची लोड करें। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे वित्तीय महीना हम लोग को सिलेक्ट करना है। जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जून महीने का लाभार्थी का लिस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे जून को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गेट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। लाभार्थी डेटा सफलतापूर्वक सिंक किया गया, उसके बाद हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ पे OTP सत्यापित करें पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हमको यहाँ पर वित्तीय महीना सिलेक्ट कर लेना है। जून को सिलेक्ट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो जून महीने के लाभार्थी हैं उनका यहाँ पे लिस्ट आ चुका है और जो भी नए लाभार्थी हैं उनका भी लिस्ट आप लोगों ने जोड़ा है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि जो भी लाभार्थी 6 साल यानी कि 72 महीने से ज़्यादा हो गए हैं उनका लिस्ट यहाँ पर शो होगा, लेकिन उनका OTP नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक बात का ध्यान दीजिएगा, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जून माह का OTP जारी हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में जाके आंगन ऐप को सेलेक्ट करना है, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट है ICDS का। तो आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर यूज़र टोकन प्राप्त करें पे आप लोग को क्लिक करना है। दे रहा है कैप्चा को सही सही फिल करके आपको टोकन प्राप्त करें पे क्लिक कर देना है। तो आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद देख सकते हैं कि एक लाभार्थी का यहाँ पे मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले दिखा रहा था मंथ का नाम दिखा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 6 दिखा रहा है, यानी कि 6ठे महीना का यहाँ पे OTP जनरेट हो चुका है। तो आप लोग क्या करना है कि इस OTP को आप लोग को कहीं पर लिख के और इस OTP को रख लेना है कि जब भी आप लोग OTP सत्यापन करें उस समय आप लोग जल्दी से कर पाएंगे। तो और OTP सत्यापन के लिए आपको 25 तारीख तक डेट दिया गया है, उस तारीख तक आप लोग को OTP सत्यापन कर देना है। यानी कि अभी आज 9 तारीख है और 9 से 25 तारीख तक आप सभी को OTP सत्यापन कर लेना है। और सत्यापन करने के बाद आप लोग को जो भी पोषाहार बांटना है आप लोग बांट सकते हैं।